खामोश नहीं रहेगी। और चेयरमैन इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि कल एक बड़ा ज़बरदस्त इज्तिमा हम इकट्ठा कर रहे हैं गवर्नर हाउस के आगे, किसी को गैर आइनी इकदाम नहीं उठाने देंगे और अवाम अपने आप को दिखाएगी कि अवाम क्या चाहती है। मेरी तमाम अहलिया ने लाहौर से गुजारिश है कि कल 5 बजे, ठीक 5 बजे इमरान खान साहब भी ख़िताब फरमाएंगे वहाँ इज्तिमा से और अगली हिकमत अमली देंगे, वहाँ पे सब पहुँचें। कल एक ज़रूरी दिन होगा। ये मुल्क इसलिए नहीं बना था कि यहाँ पे इस तरह का मजाक उड़ाया जाए इदारों के साथ। ये मुल्क इसलिए नहीं बना था कि जब जिसके दिल चाहे घर में घुस जाएं, जब जिसका दिल चले जिसको उठा के ले जाएं, जब दिल करे किसी के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दें। तो अवाम जो है वो बहरहाल उसने अब अपना अवाम सुओ मोटो एक्शन लेगी और कल हम इंशाअल्लाह ताला पहुँचेंगे 5 बजे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाहौर की सारी तंजीम जो है वो तैयारी पकड़े, अभी हम सारे उनसे रबते शुरू कर देंगे और एक इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके के साथ अब आवाम खामोश तमाशाई नहीं बनेगी। इस सारे एक्शन के अंदर बहुत हो गया, गोलियां भी चला के देख ली, अरशद शरीफ भी इस दुनिया से चला गया, लोगों की इज्जतें भी उड़ा के ले गए, लोगों के घरों में भी घुस गए, आज़म स्वाती अभी भी हिरासत में है, इमरान खान की FIR नहीं कटी, आज़म स्वाती पे 45 FIRें कट गई, हालांकि आज़म स्वाती जो है वो तलबगार है इंसाफ का। तो अब ये मामलात ऐसे नहीं चलेंगे, अब हमें खुल के शायद बातचीत करनी पड़ेगी और इंशाल्लाह ताला कल का जो